अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स में मोहम्मद मालिक। सुबह जब हुई तो सबसे बड़ी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीटें जो थी उनकी रिकाउंटिंग करके वो सीट्स का फैसला मान लिया और वो तीनों सीटें पीएमएलएन को चली गई पीटीआई की। हमारा ख्याल था शायद उससे बड़ी खबर वही है। फिर इमरान खान साहब ने बातें की जर्नलिस्ट के साथ, उसमें भी बड़ी ही सख्त बातें की एंड वी थॉट कि ओके अब ये खबर शाम की खबर है जिसमें डिस्कशन ज़्यादा होगी। फिर खबर आई कि फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया है और उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि किसी फॉर्मर DGISI को फौज ने हिरासत में लेके कोर्ट मार्शल किया। को कमांडर्स तो बहुत पहले ही बहुत से फारिग होते रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हुए हैं ओवर द ईयर्स। अभी हाल ही में जब 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद लाहौर कोर कमांडर को फारिग किया फ़ौज ने। कुछ अर्सा पहले मंगला कोर के जो को कमांडर थे उनको फारिग किया और बल्कि उस पर तो सवाल हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR के, तो जिसमें उनको पूछा गया कि क्या उन्होंने रिज़ाइन किया या उन्हें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी हमारा प्रोसेस बड़ा अपना है, उसके तहत ये भी वाजे किया गया कि उनको फारिग किया गया। DGISI क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप जब कोर कमांडर्स की बात करते हैं तो सबसे पावरफुल तो कोर कमांडर्स होते हैं। वो कहते हैं DGISI इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि दो लोगों को फौज के बारे में और तमाम क्यादत के बारे में बातें पता होती हैं, वो किसी और को नहीं पता होती, या उस वक्त के आर्मी चीफ को या डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस को। और इसलिए जब DGISI को कोई पकड़ेगा तो वो उन पर भी बहुत से हर एक पे फाइल्स देखी होती हैं, तो वो इसलिए उसको कोई हाथ नहीं लगाता। आज का जो अरेस्ट है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके दो मैसेजेस हैं। एक तो मैसेज बड़ा क्लियर है, ये जब सारा सीन हुआ आपको याद है जब प्रेजेंट आर्मी चीफ अपॉइंट हुए तो उसके बाद अर्ली रिटायरमेंट ले ली जनरल फैज़ हमीद ने। ये कोई छुपी हुई सीक्रेट नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद और मौजूदा आर्मी की आदत की कि इतने अच्छे ताल्लुकात कभी भी नहीं थे और एवरीबडी न्यू, बल्कि बहुत अरसा यहाँ पर तो यही गुफ्तगू होती रही इतने साल इस्लामाबाद में कि ये फौरन जब क़यादत चेंज होगी तो उसके बाद इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, लेकिन हुआ नहीं, शायद कोई और कंसिड्रेशंस हो। फिर नवंबर 2023 के अंदर जो टॉप सिटी के मालिक हैं उन्होंने एक पिटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ा सेलिब्रेटेड केस था, टॉप सिटी है बिल्कुल इस्लामाबाद के एंट्रेंस पे, जिसमें उन्होंने पहले भी इल्ज़ाम लगाए थे कि बतौर DGISI इन्होंने उनके कब्ज़ा करने की कोशिश की, सोसाइटी लेने की कोशिश की उनसे कुछ और लोगों के साथ के बहस्त पे, और जब नाकाम हुए तो उन्होंने उठवा लिया, इनको भी उठा लिया, इनके घर से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए करोड़ों रुपए की ज्वेलरी, दूसरी कीमती चीज़ें एंड ऑल दैट। फिर वो अपनी पिटिशन में लिखते हैं कि बाद में इनके भाई जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल तहसीलदार भी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक नजफ हमीद था शायद उनका नाम, वो आए इनके पास, वो इनको मिले और फिर उन्होंने कहा कि मुझे खुद DGISI मिले, और बतौर DGISI उस वक्त जनरल फैज़ हमीद थे और वो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ख़त्म करते हैं। बहरहाल उनको बहुत सी चीज़ें वापस नहीं मिली और ये मसला चलता रहा। ये असल वाक़या 2017 के ऑनवर्ड्स ये सारी चीज़ें चलती रहीं। आज का जो फैसला आया है फौज ने जो ऐलान किया ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इसमें दो पैगाम हैं। बहुत से लोग जो ऑब्जर्वर्स जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस को करीब से देखते हैं वो कहते हैं एक तो पैगाम है बड़ा स्ट्रेट, आर्मी के अंदर भी बड़े लोग PTI या दूसरे लोगों का ख्याल था और कहते भी सारे कि जी बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग नाराज़गी है, तो एक तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर DGISI अंदर हो सकता है और उसकी कोर्ट मार्शल शुरू हो सकता है तो बाकी तो फिर दो दफ़ा सोच लें क्या चीज़ है क्या नहीं है। और दूसरा जो आज के बयान भी आए इमरान खान साहब के और जो हम कोर्ट में भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेट क्लैश हो गया गवर्नमेंट के साथ, वो उनका रिजर्व सीट्स के फैसले पे भी कोई अमलदारी करने पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि कोई मूड नहीं है, फिर लॉ मेकिंग भी होगी या सब कुछ, तो अब एक चीज़ तो नज़र आ गई है कि हर किसी की अब रेड लाइन्स हो गई हुई आगे और अब फौज भी ना पीछे हटेगी किसी चीज़ से ना किसी किस्म का कोई जो बातें चल रही थी शायद कि नेगोशिएशन चल रही वो भी नहीं। पहले इमरान खान साहब का सुन लें कि उन्होंने आज कहा जर्नलिस्टों से जब वो बात कर रहे थे अपने अडियाला के अंदर, एक तो उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए थे, आर्मी चीफ ने उनकी सपोर्ट की थी, 8 फरवरी को उनका प्लान नाकाम हो गया। आज जो उनकी बातचीत इसलिए मुख्तलिफ थी कि आज सारा फोकस उनका ज़ात पे था आर्मी चीफ की और वहीं से नज़र आ गया था कि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर एक तो सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला ना माना गया
और एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस को, तो हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि लावा पक चुका है, एक चिंगारी चाहिए और अब लोग गिरफ्तार होने और जाने देने के लिए तैयार हैं। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि जब ये चाहते हैं कि कोई भी कानूनी बात ना हो, इसलिए जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए हुए 8, ये उन ट्रिब्यूनल्स को भी काम नहीं करना देना चाहते। पहले उन्होंने 2 सूबों में इलेक्शन ना करवा के आईन की खिलाफ वर्जी की, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके दोबारा आईन शिकनी की जा रही है। मगर ये सीरियस बातें नहीं हैं। उन्होंने 2 बड़े सीरियस चार्जेस लगा दिए। उन्होंने कहा 9 मई को इन्होंने खुद आग लगाई, ISI ने फुटेज छुपा रखी है। अब वो लग रहा है कि बिल्कुल वो भी सीधा हो गए हैं कि ठीक है, शायद उनको नज़र आ रहा है कि अब किसी किस्म की कोई अब रिप्रोचमा या बातचीत दोबारा नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि कौम क्या फैसला कर रही है, कौम किधर खड़ी है और फौज कहाँ खड़ी है। और फौज और हुकूमत में ऐसा फैसला कभी नहीं देखा। फौज सारे पाकिस्तान की है, एक आर्मी चीफ या सियासी पार्टी की नहीं। और इन्होंने फौज और अवाम को आमने सामने कर दिया। अगर आप 2-3 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर साहब का बयान सुने जो उन्होंने उलमा मशाय कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जी हम फसाद फिल अर्ज़ को किसी कीमत पे नहीं होने देंगे, एहतजाज करना है आराम से करें, लेकिन ये चीज़ें नहीं होंगी। आज खान साहब की बात के बाद और अरेस्ट ऑफ जनरल फैज़ हमीद, लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से गुजर गई हैं। और ख़ास तौर पर जो आप ISPR का बयानिया देखिए, जो उनका इशू हुआ स्टेटमेंट, उस पर तो उन्होंने लिखा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इस केस में, टॉप सिटी केस में, कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, तो वो तो हमने हुआ। लेकिन सेकंड पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं अंग्रेजी के 2 लाइंस पढ़ देता हूं। उसमें लिखा हुआ है इन एडिशन टू द अर्लियर जो उन्होंने टॉप सिटी वाली बात की, मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट पोस्ट रिटायरमेंट हैव ऑल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड। यानी कि बहुत सी इन्होंने चीज़ें रिटायरमेंट के बाद की हैं जो आर्मी एक्ट की खुली मुखालफत है। और हम यहाँ खबरें बहुत चलती थी, सुनते थे कि जी फैज़ हमीद साहब पॉलिटिकली एक्टिव हैं, PTI के साथ एक्टिव हैं, सब कुछ है। और मुझे याद है उस ज़माने में एक बहुत सीनियर आदमी ने मुझे बताया, जब ये कोर कमांडर पेशावर थे, कि ये 2-3 बार ही कहीं इस्लामाबाद आए तो फिर GHQ से वाज़ह तौर पर कहा गया कि तमाम कोर कमांडर्स को जो भी स्टेशन छोड़ेगा पहले परमिशन लेगा सेंटर से, और इनको भी मना कर दिया गया। और सो दिस इज ऑलवेज थिंग। कुछ लोगों ने कहा कि फैज़ हमीद साहब को पता था कि इतने हालात ख़राब हैं तो पाकिस्तान में क्यों बैठे हुए थे, बाकी भी तो बाहर हैं। उसमें भी मैं आपसे खबर शेयर करूँगा कि अनऑफिशियली ही न्यू कि इनको ट्रैवल अलाउ नहीं है और बाहर जाने पर इनकी पाबंदी थी। तो काफ़ी देर से चीज़ चल रही थी। असल इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज क्यों हुआ। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। और आई थिंक सबसे सख्त मैसेज तो शायद PTI के लिए होगा, बाकी छोड़ें। और दूसरा इस फैसले में एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जनरल फैज़ हमीद को तमाम इंडिविजुअल क्राइम्स के ऊपर आज पकड़ा गया है। पहले बात हो रही है टॉप सिटी, वो उनका इंडिविजुअल क्राइम कहा जा रहा है कि जिसके अंदर उन्होंने अपना किया। उसके बाद जो उन्होंने वायलेशंस की पोस्ट रिटायरमेंट, वो भी इंडिविजुअल हैं। अगरचे इन पे पहले इल्ज़ाम थे, जिस तरह पनामा पेपर्स में शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे पास आए थे, इन्होंने अपनी मर्ज़ी का पैनल बनवाने की कोशिश की। फिर इनके ऊपर धरना, फैज़ाबाद धरना केस में जनरल फ़ायज़ ईसा की ऑब्जर्वेशंस थी, वो भी थी। लेकिन वो जितनी इंस्टीट्यूशनल चीज़ें थी उसमें इनको नहीं किया गया, एज एन इंडिविजुअल इनको ले आया गया है। तो आई थिंक ये मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। अब ये बात कहाँ जाएगी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर लीडर हैं PTI MNA और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम मालिक साहब। अली साहब, ये बताइए, ये जो आज हुई है डेवलपमेंट, और ख़ास तौर पे मल्टीपल इंस्टेंसेस के जी मल्टीपल उनकी वायलेशंस जो उन्होंने आर्मी एक्ट की है रिटायरमेंट के बाद, वो इस्टेब्लिश हो गई हुई हैं। और आपको पता है फौज की इन्वेस्टिगेशन बड़ी सख्त होती है, और एक लेफ्टिनेंट जनरल और फॉर्मर DGISI भले किसी को जितना मर्जी नापसंद हो या ना हो, ऐसे ही उस पर हाथ नहीं डलता। तो बहुत से इंस्टेंसेस होंगे और इल्ज़ाम, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो आप लोगों की पॉलिटिक्स में अभी भी बहुत इन्वॉल्व थे और काफ़ी मशवरे देते थे और काफ़ी चीज़ों में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। क्या ये गिरफ्तारी से सिर्फ फैज़ हमीद साहब को परेशान होना चाहिए या PTI के लिए भी एक नया सख्ती का दौर शुरू होने लगा? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि
कोई भी फॉर्मर डीजी आईएसआई हो, चाहे वो फैज साहब हो या कोई भी हो, उस पर इस तरह की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मामूली बात नहीं है, और ये पूरी कौम के लिए एक बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि ये बड़े अहम ओहदे होते हैं और उस पर इस तरह अगर प्रोसीडिंग होती है तो ये इसको आप मामूली नहीं कह सकते। अब चूंकि फौज का इंटरनल एक मैटर है, इस पर मैं नहीं समझता ज़्यादा पब्लिकली हम बात करें, लेकिन देखना ये होगा कि उन पे मजीद चार्जेस क्या होते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत ही अलार्मिंग है लिहाज से, क्योंकि मेरे ख्याल में माजी में कोई इतने बड़े अहदेदार पे शायद फौज के अंदर इस तरह की कार्रवाई शायद नहीं हुई, तो इससे मैं डिसएग्री नहीं करता, ये मामूली डेवलपमेंट नहीं है, काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए मुझे बताएं, आज इमरान खान साहब ने जो इतना एक बार फिर, पहले हमने देखा कि उन्होंने निशाने पे लिया हुआ था फौजी की आदत को, फिर हमने बातें सुनी कि नहीं सिपहसालार हैं, बात करें, ये करें, वो करें, आज दोबारा उन्होंने फिर सीधा सीधा आर्मी चीफ को निशाने पर रख लिया, यहाँ तक कह दिया कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे, आर्मी चीफ ने उनकी सपोर्ट भी की, फिर वो कह रहे हैं कि फौज एक आर्मी कौम की है, एक आर्मी चीफ की नहीं है, एक सियासी पार्टी की नहीं है, और ये फौज को आमने और अवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया है, फिर वो कहते हैं कि आईएसआई वालों ने फुटेज छुपाई हुई और आग इन लोगों ने खुद लगाई है। ये बड़े सीरियस स्पेसिफिक चार्जेस हैं। इसके बाद आपको कोई उम्मीद है कि आपकी कोई बातचीत हो सकती है या कोई मिडवे निकलेगा? ये तो क्राइसिस आज खान साहब भी एक और लिमिट पे ले गए। देखिए मामला का तो बहरहाल हल गुफ्तगू से ही निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सभी चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तरफ एक मजबूत फौज, क्योंकि जिसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ फौज और बाकी जो इदारे हैं, उसमें हसास इदारा है और इदारे हैं, उसके और अवाम के बीच में फासला भी नहीं होना चाहिए। वो फासला कैसे ख़त्म होगा? बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो तलखियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। उसके लिए जितना पॉसिबल हो सकता है कोई ना कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़रूरी हैं, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गलत केसेस हैं जनाब इमरान खान साहब पे या हमारे बाकी जो प्रिजनर्स हैं जो अंदर हैं, उस पर तो बड़ी क्लियर मौकफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जनाब इमरान खान साहब। मुझे आप एक बात बताइए, आई एम सॉरी फॉर इंटरजेक्शन, लेकिन आप कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं? आज तो इमरान खान साहब ने बड़े स्पेसिफिक इल्ज़ाम लगा दिए हैं। दोबारा उन्होंने कहा चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए थे, उनको आर्मी चीफ ने सपोर्ट किया। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ फौज और अवाम को आमने सामने खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आईएसआई ने फुटेज छुपाई हुई है और 9 मई का स्टेज इन्होंने चुराया, उन्होंने उसको उन्होंने आगे लगाई हैं। ये तो स्पेसिफिक सीरियस चार्जेस हैं। और हम मुझे याद है हम नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा करते थे, जब उनकी गवर्नमेंट्स 2-3 बारी गिरी तो हम कहते थे कि यार ये आर्मी चीफ को और फौज को दो अलहदा एंटिटीज समझते हैं, अगरचे वो एक ही चीज़ होते हैं, उस पर फ़र्क नहीं होता। क्या खान साहब आज आर्मी चीफ और फौज को अलहदा अलहदा कर रहे हैं? बिकॉज अगर मैं दूसरी साइड पर बैठा हूँगा, मैं तो उससे ये मतलब लूँगा कि मैं मैसेज ये दे रहा हूँ कि आर्मी चीफ जो है ये और सोच रहे हैं, फौज और सोच रही है, और फौज को अवाम के सामने आर्मी चीफ ने खड़ा कर दिया। ये बड़े सख्त डायरेक्ट इल्जाम हैं। नहीं, फौज और आर्मी चीफ का जो ओहदा है वो तो एक ही होता है, क्योंकि अगर वो सोच का डिफरेंस हो उससे तो फिर इंस्टीट्यूशनल उसमें मसले पैदा हो सकते हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इशू होगा। लेकिन जो इमरान खान साहब ने बात की है, देखें उन्होंने पहले ये भी बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और जो मुस्लिम लीग नून है वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के बीच में फासले पैदा हों। अब इसका हल क्या है? देखिए हल की तरफ बात जानी चाहिए। 1-2-3 दफ़ा मुख्तलिफ प्रेस टॉक्स में डी जी आई एस पी आर ने भी ये बात की, और खान साहब भी, इमरान खान साहब भी बारहा ये बात कर चुके हैं, बहुत मरतबा कर चुके हैं कि जुडिशल कमीशन इसका वाहिद हल है। लेकिन जाहिर है उसमें काजी फैज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके हवाले से हमारी पार्टी का मौकफ बड़ा क्लियर है, तो जुडिशल कमीशन इसका एक वाहिद हल है कि इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हो ताकि असल चीज़ जो है वो सामने आए। क्योंकि पुरमन एहतजाज तो जिस तरह आपने खुद भी बात की कि आर्मी चीफ साहब ने भी ये बात की है, खान साहब ने खुद भी ये बात की थी कि हमारा पुरमन एहतजाज तो हक है, तो इसको पुरतशद किसने बनाया? उसका हल क्या है? क्या इल्जामदार इल्जाम उसका हल है? वो तो हल नहीं।
क्या प्रेस टॉक्स उसका हल है? वो तो हल नहीं है। हल उसका वही है जो होना चाहिए कि एक बहुत ही बड़े और मेजर फोरम पे, हाई पावर्ड फोरम पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि असल में हुआ क्या। देखें, इमरान खान साहब ने ये बात भी बहुत दफा क्लियर की है कि वो जेरे हिरासत थे, तो चेयरमैन साहब तो खुद कॉल नहीं दे सकते थे उसकी एहतजाज की, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि उन्होंने किसी को कोई जगह नहीं स्पेसिफाई की कि आप वहां पे जाके एहतजाज करें। तो फिर ये जो एहतजाज हुआ नहीं, वो तो उन्होंने अली भाई, वो तो उन्होंने जर्नलिस्टों के सामने कहा, दो बातें उन्होंने कही। एक उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कहा था कि आप जीएसयू के सामने जाएं और मुजाहरा करें, और फिर सलमान अकरम राजा मेरे प्रोग्राम में भी आया, उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल के जी, जीएसयू के बाहर सड़क पाकिस्तान की सड़क है, कोई वहाँ पर आइनी कोई गैर आइनी काम नहीं किया, पुरअमन मुजाहरा हर जगह हो सकता है। बल्कि खान साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि हमने पेट्रोल पम्प सिर्फ जमान पार्क में इस्तेमाल किए थे, बाहर नहीं किए थे। वो खान साहब तो बड़ी बातें कर देते हैं। मैं कुछ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप कोई बात करना चाहते हैं तो माहौल को आप ठंडा करते हैं। खान साहब ने तो आज माहौल को बहुत गर्म कर दिया। इस पे क्लैरिटी जरूरी है। राजा साहब खान साहब के वकील हैं और बड़े कॉम्पिटेंट सीनियर लॉयर हैं, लेकिन वो उस लेवल के उस वक्त पॉलिटिकल लीडर पार्टी के तो नहीं थे जो डिसीजन मेकिंग हो रही थी। उस वक्त तो असद उमर साहब होते थे या शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर थे, या उस वक्त और भी लीडरशिप थे, फवाद चौधरी साहब वगैरह सारे उधर थे। इमरान खान साहब ने इसको क्लियर किया है कि उन्होंने 9 मई की कॉल नहीं दी, ना उन्होंने कोई जगह स्पेसिफाई की थी। उन्होंने जब कॉल दी थी वो 18 मार्च की थी, जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई थी और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स वाला वाकया भी हो चुका था, उस हवाले से बात की थी। यहाँ एक जुल्म हुआ है कौम के साथ भी, सारे सिस्टम के साथ, कि जब इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से उठाया गया या पकड़ा गया, आप उसको जो भी नाम है, वो रेंजर्स के हाथों नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि रेंजर्स का उससे कोई काम नहीं था। वो नैब ने जाहिर तोशाखाना केस था, उस पर पुलिस को कर देते, उसका रिएक्शन अवाम की तरफ आया। इमरान खान साहब ने बारह इसको क्लियर किया है कि उन्होंने किसी को न जगह बताई कि आप वहां जाके करें, क्योंकि वो जेरे हिरासत थे। हाँ, 18 मार्च की बात उन्होंने की थी, शायद उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आई। तो आज की ये सख्त बातें, तो मुझे ये लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ ऑब्जर्वर, मुझे तो ये लगता है कि खान साहब बिल्कुल मायूस हो गए कि किसी किस्म की कोई बातचीत अब नहीं होगी, और शायद फौज और गवर्नमेंट बिल्कुल एक साइड पर खड़े हो गए हैं। पीटीआई और अदलिया का एक हिस्सा एक टाइप एक साइड पे है, अदलिया का एक हिस्सा गवर्नमेंट के साथ है, तो हम क्या एक टोटल एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं? कॉन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, अगर कॉन्फ्रंटेशन होती है उससे मुल्क और कौम का नुकसान होगा। इमरान खान साहब जाहिर है वो कोई आम आदमी नहीं है, एक सबसे बड़ी जमात के एक साबिक वजीर आजम, एक पॉपुलर तरीन आदमी है, सो पूरी कौम में से बहुत ज्यादा अक्सरियत उनके साथ खड़ी है। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि कौम में और अदारों में कोई गैप पैदा हो, कोई कंफ्यूजन पैदा हो? उसके लिए जरूरी है कि बात हो, बातचीत हो, सियासी जमातों के बीच में भी हो और एंगेजमेंट होनी चाहिए। मैं आज के आज नहीं होते। आज जनरल फैज अमीर के अरेस्ट और कोर्ट मार्शल के बाद और खान साहब के ये बयानात के बाद आपको लगता है अभी बातचीत मुमकिन है? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए पोलिटिकल जमात में और एस्टैब्लिशमेंट में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं होते जिस तरह होते हैं कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो प्रेस आई भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन एंगेजमेंट होती है, हमेशा रही है, कि अगर कोई कंफ्यूजन पैदा होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, या कोई कन्फ्रंटेशन लेवल वो एस्केलेशन लेवल बढ़ता है, तो उसमें कोई ना कोई प्लेयर्स बीच में होते हैं जो बात करते हैं। अब मैं ये नहीं आपको सजेस्ट कर रहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन है कि कोई बात कर रहा होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो ये अलार्मिंग होनी चाहिए। सबसे बड़ी जमात और एक पावरफुल इदारा जो है, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते इन हालात में जब मुल्क इंटरनल से और एक्सटर्नल। आखिरी क्वेश्चन, ये जो टॉप सिटी का वाकया हुआ जिसको बेसिस बनाया गया है कि जी उस इंक्वायरी में पहला पैरा तो उस पर ही है ना, ये 2017 का वाकया है, उसके बाद मामला चलते रहे, फिर इंक्वायरी कमेटीज बनी, बड़ी चीजें आगे पीछे हुई। 17 के बाद आज 2024 अगस्त में आज जो ये वाकया हुआ है फैज अमीद के अरेस्ट का, जनरल फैज अमीद के, आपको इसकी टाइमिंग में कोई इंटरेस्टिंग नजर आती है कि बस ये अचानक एक हो गया आज, कि इसकी टाइमिंग में कोई खास आपको नजर आता है स्पेशल एंगल? देखिए, एक तो मैं बताऊं कि कोई भी शख्स, मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा, कोई काबिल फख्र बात कौम के लिए नहीं होती कि इतने बड़े अहदेदार पे ऐसी कोई चीज स्टार्ट हो। जाहिर है अब उनका इंटरनल मैटर है, उस पर पब्लिकली हम क्या उस पर बात करें, लेकिन आपने टाइमिंग की बात की है। अब ये सजेस्ट करना कि किसी खास मकसद के लिए इस वक्त ये स्टार्ट किया गया है,
वो भी मुझे बईदस क्यास लगता है कि हम उस पर कॉमेंट करें, लेकिन टाइमिंग हमेशा ऐसे मामला में अहमियत तो रखती है। अब इस वक्त ये क्यों किया गया है इस पर तो जाहिर आर्मी की टॉप ब्रास जो है वो बात कर सकती है, लेकिन उनका इंटरनल मैटर है। बहरहाल आम मामला नहीं है, सब सबको इस गिरफ्तारी का इस गिरफ्तारी का पीटीआई की आने वाली सियासत की सियासी हिकमत अमली पे कोई फर्क पड़ सकता है? देखें मेजर डेवलपमेंट है, लेकिन जिस तरह भी कुछ दिनों पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो है मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई हैं, तो ये तो देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ ज्यादा अलाइन थे। आइडियली स्पीकिंग तो इतने बड़े अहदेदार को या किसी भी हसास इदारे के या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी शख्स को किसी जमात को ओपनली इस तरह तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर है तो वो चीजें जब इन्वेस्टिगेशन होगी और चीजें सामने अगर आती हैं तो फिर पता लगेगा कि उनपे मजीद क्या चार्जेस हैं। लेकिन ये जो ये वाला जो टॉप सिटी का आप जो फरमा रहे हैं कि जो मामला है एग्जैक्टली 2017 का मामला है और अब खुला है, तो टाइमिंग अहम है कि अब क्यों खुला है, लेकिन उसको किसी पॉलिटिकल मामले से डायरेक्टली जोड़ देना कि इस वजह से खुल गया है वो मेरे ख्याल में थोड़ा कबल वक्त है। इस पे प्रोसीडिंग चले उसके बाद क्लियर होगा कि असल मामला मजीद उसमें चार्जेस क्या है। अली मोहम्मद खान बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहीं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके थोड़ा सा दो एनालिस्ट से ही बात करेंगे कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है फौज के अंदर और उसकी जनरल इसका फॉलोआउट क्या है इतनी बड़ी डेवलपमेंट का। हमारे साथ रहिएगा। हमने दो एनालिस्ट लिए हैं जो ये सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक अफेयर्स में बड़ा अपना नाम रखते हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं और स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डॉक्टर मारिया सुल्तान हैं, ये भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर मारिया, लेट मी स्टार्ट विद यू। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि हमने रिसेंटली देखा है कि पहले कोर कमांडर लाहौर फारिग हुए 9 मई के बाद, फिर मंगला कोर जिसको कहा जाता है कि जी वो तो स्ट्राइक कोर है, वहाँ का कोर कमांडर बड़ा तगड़ा वाला कोर कमांडर होता है, एवरेज कोर कमांडर नहीं होता, वो चले गए। अब डीजी आए पुराने जनरल फैज़ हमीद अरेस्ट हो गए हैं, सब कुछ हो गया, तो क्या है ये, डू वी इज इट अ शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो कि जो मौजूदा जो क्यादत है वो फर्मली इन सीट है, बिकॉज पीटीआई या दूसरे जो नाकदीन हैं गवर्नमेंट के भी वो एक तासुर देते हैं कि शायद कोई डिसकंटलमेंट भी है फौज में, बड़े लोग डिस्टर्ब हैं व्हाटएवर, तो क्या ये मैसेजिंग है कि प्योरली एक टेक्निकल अफेयर है जिसमें एक फॉर्मर डीजीआई पे हाथ डल गया है, बिकॉज डीजीआई आज तक तारीख में कभी नहीं फौज ने उसको हाथ डाला। थैंक यू मालिक, आपने बहुत अहम सवाल किया। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से भी नहीं बल्कि कुछ अरसे से पाकिस्तान और अफवाजी पाकिस्तान के ऊपर बहुत सियासत की जा रही है, और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ों में अफवाजी पाकिस्तान का नाम धकेला जाता है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो पोजिशंस हैं उनको भी कॉन्ट्रोवर्शियल किया गया है, ओहदों को बिलखसूस। उसके साथ साथ ये तासुर भी पैदा किया जाता है कि शायद अफवाज पाकिस्तान जो है एतमाद की जो फ़िज़ा है अवाम के दरमियान जो एतमाद है उसको तरजीह नहीं देते हैं बल्कि इनफरादी जो मफादात हैं उनको तरजीह देते हैं। तो देखें जब आप पांचवी तर्ज जंग की बात करते हैं उसके अंदर एक जो है कंसनट्रेटेड अटैक होते हैं उन तमाम उहदों के ऊपर जहाँ मुल्क की सालमियत के ऊपर मुल्क के मुस्तकबिल के ऊपर कोई ना कोई फैसला हो सकता है। इसलिए ये जो फैसला है आज का जो फैसला है ये बहुत मुश्किल फैसला था लेकिन बहुत एक अहम फैसला है क्योंकि इसके पीछे दो तीन महरकात हैं। पहली बात तो ये कि आप ये बात और ये वाज़े पैगाम देना चाहते हैं कि रियासत और रियासत के साथ जो मुंसलिक जो अहदेदार हैं अगर वो अपने इनफरादी मफादात के लिए उनको तरजीह देते हुए कौमी सलामती के मामला या बाकी मामला को पसे पुश डालते हुए अगर उनको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उनके खिलाफ शवाहिद भी मौजूद होंगे तो ना सिर्फ उनके खिलाफ कानून अमल में आएगा लेकिन उसके खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ ये तमाम चीजें उसी नुक्ते नजर से चलाई जाएंगी कि जिस नुक्ते नजर से पेश की गई। दूसरी जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस इंक्वायरी का जो है एक तरह से मैंडेट दिया तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि रियासत का एक नहीं बल्कि दो अदारे हैं। और तीसरी जो बात है वो ये कि इसके बाद भी जो है उनको जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है उसके अंदर उनके पास ये हक हासिल है कि वो अपने जो इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए हैं इस जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद उनको लगता है कि उनके ऊपर जो है इल्जाम जो है उनके अंदर कोई ताकत नहीं है या उनके अंदर शवाहिद मौजूद नहीं है तो उनकी तरदीद करें और उन काउंटर विटनेसेस प्रोवाइड करें और अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर है एक तरह से आपका प्रोसेस क्लियर होता है। लेकिन अगर सेकंड पार्ट जो आईएसपीआर की रिलीज आया उसमें लिखा हुआ है मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट
पोस्ट रिटायरमेंट हैव ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड, कि एस्टैब्लिश हो गया अगर उन्होंने बहुत वायलेशन किए हैं। और वो जो बातें हम सुन रहे हैं वो ये है कि जी ये कांटेक्ट में थे, पॉलिटिक्स में थे, बड़ा कुछ चीज़ें कर रहे थे, तो क्या मैक्सिमम क्या हो सकता है इनके साथ? क्या सिर्फ रैंक लिया जा सकता है, सजा भी हो सकती है, और क्या हो सकता है मैक्स? देखिए, आपने जो बात की कोर्ट मार्शल की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी होता है कि इंक्वायरी हो, और उस इंक्वायरी की बेसिस के ऊपर ये फैसला किया जाता है कि क्या इनके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। अगर इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है ये कहती है कि जी शवाहिद मौजूद है, उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल होना जरूरी है, तो फिर प्रोसीडिंग्स का आगाज होता है। यानी कि इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है तो बाकी कोर्ट्स के लिहाज से। दूसरी बात जो है कहाँ क्या कुछ हो सकता है, इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि नौयत डिपेंड करती है कि कितना बड़ा क्राइम था, किस हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें। ये अगर पैसे हैं, अगर करप्शन है, तो वो चीजें वापस होंगी। इनके रैंक्स जा सकते हैं, रैंक्स के अलावा जो तमाम इनको मराहत दी गई है फौज की तरफ से एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, ये साबिक DGISI, वो जा सकती हैं। और इसके अलावा इनको कैद बामुशक्कत भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस नौयत की जो शवाहिद है वो प्रेजेंट होते हैं और सेंटेंस क्या है। इसके बाद इनके पास अपील का हक लगेगा, ये प्रोसेस में कितना अर्सा लगेगा मारिया, कितना अर्सा लगेगा? 3 से 6 months, 3 से 6 महीने। डॉक्टर डॉक्टर कमर चीमा इनटू दिस आल्सो। चीमा साहब एक बात बताएं, हम लोग तो जब बैठ के देख रहे होते हैं हम हर चीज में मैसेजिंग ढूंढ रहे होते हैं। आज जब ये आया, ये अनाउंसमेंट आई, तो साथ ही सारे से मैसेजिंग ढूंढनी शुरू हो गए कि मैसेजिंग किसके लिए है? क्या ये सिर्फ फौज के बाकी लोगों के लिए भी मैसेजिंग है कि वॉच इट, अगर DGI जा सकता है कोई भी जा सकता है? और क्या ये PTI के लिए मैसेजिंग है, खासतौर पर जो इमरान खान साहब ने आज भी बातें की और बड़ी सख्त उन्होंने आड़े हाथ ले लिया और डायरेक्टली सीधे हो गए आर्मी चीफ के साथ, तो क्या इसके पॉलिटिकल, जरा मुझे बताएं कि पॉलिटिकली इट शोज के अब फौज और PTI बिल्कुल लाइन के आमने सामने खड़ी हो गई हैं? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, मुझे ऐसे लगता है, जैसे आपने मैसेजिंग की बात की है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आज फौज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो प्रोजेक्ट था वो कम्प्लीटली बंद कर दिया है। इस सेंस में कि एक था कि अदारा क्या चाहता है, एक है कि इंडिविजुअल क्या चाहता है। तो अदारे ने अगर उस वक्त तहरीक इंसाफ को प्रॉप अप किया, सारा कुछ हुआ, तो वो एक लार्जर स्टेबिलिटी के लिए जो उस वक्त इनके जो लीडर्स जो थे फौज के अंदर समझते थे कि हम शायद थर्ड फोर्स लेके आएंगे तो थर्ड फोर्स जो है वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी उस तरह। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया DGISI के ओहदे का अपने ओपोनेंट्स को जेलों में डालने के लिए, और उसके बाद जो कुछ हुआ, तो एक वो जो मैसेजिंग है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल जिस उस प्रोजेक्ट की वजह से जो नुकसान हुआ अदारे को, मैं समझता हूँ वो भी एक उसकी भी मैसेजिंग कर दी गई है कि वो लोग जो 9 मई में मुलव्वज़ थे, वो लोग जो उस वक्त लार्जली इस सारे प्रोजेक्ट को क्राफ्ट करने में मुलव्वज़ थे, उन सबको उनमें जो बड़ा किरदार है वो जाहिर बात है फैज अमीद साहब का था। सो मेरा ख्याल है उनको एक पैगाम दे दिया गया है। एंड अबव ऑल विद इन द इंस्टीट्यूशन, जो मालिक साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप रेंजर्स का इस्तेमाल और ISI का इस्तेमाल इन चीजों में करेंगे कि आप जो बिजनेस टाइकॉन्स के घरों में जाके उनको मजबूर करें कि आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, या आप उनकी जो पकड़ पकाई करना शुरू कर दें, उस चीज को भी मेरा ख्याल है जो है वो अदारे ने बहुत ज्यादा जो है वो पर्सनल लिया है कि ये चीज एस्टैब्लिश हो जाना कि एक DGISI का लेवल का शख्स जो है वो इस चीज में मुलव्वस हो। मेरा ख्याल है ये बहुत ही बिलो द बेल्ट फैज अमीद साहब खेल गए थे। ये अदारे क्या अदारा ऐसे नहीं करता, इंस्टीट्यूशन ने कभी इस तरह नहीं किया, और इस तरह ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, मेरा ख्याल है कि ये एक डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल उन्होंने फैज अमीद साहब ने सेट की, जो कि माजी में आपको पता है कि बहुत सारे मसले मसाइल होते रहते हैं लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ। और दूसरी मैं ये भी समझता हूँ कि माजी में भी तो बहुत सारे DGISI थे जो इन्वॉल्व रहे हैं PTI को प्रॉप अप करने में, लेकिन उनका करेक्टर वो एक एज एन इंस्टीट्यूशन प्ले कर रहे थे, एज एन इंडिविजुअल जिस तरह आप प्ले करते हैं मेरा ख्याल है कि वो अपनी हदें क्रॉस कर गए थे। और ये विद इन द आर्मी भी मैसेजिंग है, और 9 मई के बाद भी जो आपको बताया बहुत सारे लोगों को सजाएं दी गई, और ये जो चीज जो सजा दी गई है मेरा ख्याल है कम्प्लीटली इस प्रोजेक्ट को ही वाइंड अप कर दिया गया और बता दिया गया है कि जो कुछ करता है वो अदारा करता है, इंडिविजुअल नाम की कोई चीज नहीं होती। चले, मेरे आप दोनों से एक दो सवाल है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे सिर्फ सवाल है,
मैं भी उनको दो दफा सोच लूं करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो ब्रेक के बाद आगे आज आपसे बात करते हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू शो। मारिया एक चीज बताइए पहले क्विकली, अगर सीनियर ऑफिसर का कोर्ट मार्शल हो तो उसका अरेस्ट होना रूटीन होता है कि ये भी ऑप्शनल होता है, कभी किया कभी ना किया? नहीं नहीं जी, ये एक रूटीन मैटर है और इसमें कोई प्रोसेस में कोई तब्दीली नहीं होती है। अच्छा ये जैसे बताएं, मैंने पहले कहा, अब ये मुझे बताएं कि सबसे पहले इसका इंक्वायरी होती इसका इम्पैक्ट क्या होगा आर्मी के अंदर, बिकॉज एक एक हिस्ट्री तो थी जब ये DGISI थे, मौजूदा चीफ DGMI थे, तो उस ज़माने में भी हमने कुछ बातें सुनी। एक आधा किस्सा तो खुद मैंने उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी सुना, वो बाद में मैं किसी दिन शेयर करूंगा अपने शो में। तो एक हिस्ट्री तो थी, क्या ये परसीव इतना ही ब्लैक एंड वाइट में होगा विद इन द आर्मी कि इस पर भी कोई लाइक इसको कोई और फॉलोआउट भी होता है, हो सकता है? देखिए, इस पे दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि कोई भी जो ओहदा होता है आर्मी की, जो एक तरह से आप कह सकते हैं खसूसियत है, वो ये है कि चेन ऑफ कमांड की होती है। कि अगर आपका कोई सीनियर ऑफिसर आपको कोई हुक्म देता है तो आप उसकी हुक्म मदूली नहीं करते हैं और आप वो काम करते हैं। इसलिए अगर तो इन मामलात में जो इनकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके जो है मामलात या उनकी करप्शन की जो केसेस हैं वो इनफरादी जरूरत के मुताबिक या इनफरादी मफादात के मुताबिक हुए, तो जाहिर है इसका जो इम्पैक्ट है वो इसी तरह होगा। लेकिन अगर उसके अंदर जो है वो चेन ऑफ कमांड की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने कोई चीज फॉलो अप की, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। लेकिन जो एक बात वाजे है वो ये है कि इसने एक जो है एक तरह से आप कह सकते हैं मिसाल कायम की है अफवाज पाकिस्तान के अंदर, वो ये कि चाहे आप किसी भी ओहदे के ऊपर फायज हो, आप अगर उसको अपने इनफरादी मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे या करप्शन के लिए इस्तेमाल ठीक है, करेंगे वो ठीक है, वो तो, लेकिन लेकिन ये लेकिन चीमा साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि इंस्टीट्यूशन को सारे इश्यूज से साइड पे कर दिया गया, ISI को क्लीन बिल ऑफ हेल्थ दे दिया गया, और जो कुछ चीजें इन पर्सन एज अ पर्सनल ट्रांसग्रेशंस में आ गया है जनरल्स इनका, मुझे ये बताइए क्या अब एक तासुर आज क्या होगा कि आर्मी चीफ एब्सोल्युटली इन कमांड हैं? बिकॉज एक तासुर ये देने दिया जा रहा था कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिसकंटेंटमेंट है, पॉलिटिकल कुछ पॉलिसीज हैं रियासत की, तो उसका एक फॉलोआउट है, तो शायद चीज़ें इतनी कंट्रोल में नहीं हैं। क्या आज के बाद ये एक अनक्वेश्चन रियलिटी है कि जो आर्मी चीफ हैं वो एब्सोल्युटली इन कमांड हैं? एब्सोल्युटली इन कमांड है और उन्होंने अपनी कमांड दिखाई है। मेरा ख्याल है जो सबसे मुश्किल वक्त था वो 9 मई था मालिक साहब, क्योंकि उस वक्त परेशानी ये थी कि जिस लेवल पे उस वक्त के जो चेयरमैन तरीके इंसाफ थे वो ये समझते थे कि हमारी पेनिट्रेशन है और पता नहीं फौज के अंदर क्या बगावत हो जाएगी और कू हो सकता है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और जो उनको चीजें बताई गई थी उस वक्त एक मुश्किल वक्त था। और वो जारी बात है उसके बाद जो फैसले आए, जो सजाएं दी गई, उससे पता भी चलता है कि वो एक मुश्किल वक्त था। और जिस अंदाज से जो जो तहरीके इंसाफ के उस वक्त चेयरमैन थे वो चाहते थे कि फौज पॉलिटिसाइज हो और मेरे हक में खड़ी हो, जो वो एक मुश्किल वक्त था। लेकिन बाकी आर्मी चीफ इन फुल कमांड है, उन्होंने अपनी पावर्स कंप्लीटली एक्सरसाइज की है। ये एक आखिरी मैं समझता हूँ एक एक फैसला है जिसने मैसेजिंग कर दी है विद इन तहरीके इंसाफ एंड विद इन द आर्म फोर्सेज कि वो लोग जो जिन्होंने जाती फायदे जो है लेने की कोशिश की है, और वो लोग जिन्होंने एक तो कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल थॉट के तहत कहीं जगह पे इंटरवेंशन होना और चीज है, और पॉलिटिकली अपनी जातियात के लिए किसी किस्म की सियासत करना, अपने फायदे के लिए सियासत करना, वो एक बिल्कुल अलहदा चीज है। और मेरा ख्याल है यही वजह है कि जो वो ISPR की प्रेस रिलीज का जो सेकेंड पैरा है वो ये बताता है कि रिटायरमेंट के बाद भी जो चीजें इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आपको आपको सजा होती नजर आती है, इंप्रिजनमेंट? एब्सोल्युटली सजा मुझे होती नजर आती है अगर वो अदरवाइज कस्टडी में ना लेते जी। मारिया डू यू एग्री, आपको भी सजा होती नजर आती है, फिजिकल यानी के कैद? देखें, प्रिलिमिनरी जो शवाहद हैं उसके मुताबिक ही कोर्ट मार्शल का फैसला किया गया ना, उसके बगैर तो इस इंक्वायरी के मुकम्मल हुए बगैर तो ये फैसला नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब है उनके पास नाकाबिल तर्दीद शवाहद हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये केस लड़ा, मतलब कोर्ट मार्शल का जो किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राजेश सिन्हा, ये है कि जैसे डॉक्टर चीमा ने भी कहा, आज नजर आता है कि जो आर्मी चीफ हैं वो एब्सोल्यूट इन कमांड में हैं।
आज जब इमरान खान के बयान सुनते हैं तो वो एब्सोल्यूट डिफाइंस में है, जब हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो एब्सोल्यूट डिविजन में है। अब तीनों जगह एब्सोल्यूट काम चल रहा है और अगर आप देखें ओवरऑल तो लगता है इस वक्त इस मुल्क में एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन है। ये मिक्स सारा बड़ा ख़तरनाक मिक्स है। वी ओनली होप, अगेन मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि हर कोई एब्सोल्यूट से ज़रा एक एक कदम पीछे हट जाए तो शायद कोई बचत हो जाए, वरना हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह आप पे, मुझ पे, हम सब पे और पाकिस्तान पे रहम करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।